हेलो एवरीवन, रेंडर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम पापड़ी चाट बनाने जा रहे हैं। इसमें इमली चटनी, हरी चटनी, सब कुछ की रेसिपी दी हुई है और इसकी पापड़ी बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसे मैंने मैदे से नहीं, गेहूं के आटे से बनाया है। तो चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और घी मोइन के लिए डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इसे अच्छे से हम मल लेंगे। देखिए, आटे ऐसे ही हो जाना चाहिए, मुट्ठी में लेते ही टूटना चाहिए। इसके बाद हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और एक सेमी टाइट डो लगा लेंगे, ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा सख्त। इसे ढक कर रख देंगे। इसके बाद हम इमली की चटनी बना लेते हैं। ये इमली के पल्प को मैंने भिगो कर रख दिया था और इसे मैं छान ले रही हूँ और कढ़ाई में डायरेक्टली डाल रही हूँ। और इसमें 1/4 कप गुड़ डाला है मैंने और गैस की आंच तेज रखा है। इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डाला है, तभी तो खट्टा मीठा स्वाद आता है ना। तो 5 से 7 मिनट के अंदर इमली की चटनी बन जाती है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए, ये बाद में जाके थिक हो जाती है। तो हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखिएगा फ्रेंड्स, ये गाढ़ी हो जाएगी अपने आप। तो हमारी इमली की चटनी बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम हरी चटनी बना लेंगे। इसमें मैंने धनिया लिया है 1 मुट्ठी, 1 हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी अदरक लिया है, इसमें आमचूर पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है और नमक ले लिया है स्वाद अनुसार और 2 चम्मच दही डाल दिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारी हरी चटनी भी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तीखी तीखी। तो अब हम पापड़ी बनाना चलते हैं। आटे की छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। और इसे गोल गोल पेड़े बना लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे एक एक करके। इसे ज़्यादा मोटा या पतला ना रखें और इसे अब फॉर्क की हेल्प से छेद कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह सारे पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं। और अब कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और जब मीडियम हो जाए तो डाल देंगे। ज़्यादा तेज आंच नहीं रखना है वरना वो बाद में सौगी हो जाएंगे। एक एक करके मैंने सारे पापड़ी डाल दिया है। इसे 7 से 8 मिनट तक पकने दे अच्छे से। ये बहुत ही करारे और क्रिस्पी हो जाएंगे। हमारे पापड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने करारे बने हैं, क्रिस्प बने हैं, देख लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये आटे से बने हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें।
अब हम चाट बनाने की सारी तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने दही ले लिया है, बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं, कुछ कटे हुए आलू ले लिए हैं उबले हुए, और हरी धनिया की चटनी और इमली की चटनी ले ली है। अब एक प्लेट में हम सारे पापड़ी को सजा लेंगे, उसके ऊपर हम दही डाल देंगे फेंटी हुई, सारे में दही डाल देंगे। अब उबले हुए आलू डाल देंगे जो पीसेस में काट के रखा था हमने, अब हम इसमें हरी चटनी डाल देंगे, अब लाल चटनी डाल देंगे, अब फिर से दही डालेंगे, अब कटी हुई प्याज डाल देंगे, अब भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब फिर से चटनी डाल देंगे, आप इसमें भुजिया भी डाल सकते हैं। हमारी चाट बनकर तैयार है, ये बहुत ही हेल्दी है। गाइस ज़रूर ट्राई करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने